कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को मैसूर से पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की। 10 मई को होने वाली कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंची। प्रियंका ने राहुल गांधी की तरह ही कर्नाटक की भाजपा सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने आपको बेशर्मा और बेरहमी से लूटा है। प्रधानमंत्री को भी कई लोगों ने यहाँ के सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखी, लेकिन पीएम चुप है। प्रियंका ने कर्नाटक की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में हर तरह के स्कैम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या की, पुलिस भर्तियों में स्कैम हुए, हर तरह का भ्रष्टाचार किया गया। इसके खिलाफ पीएम को चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रियंका ने कहा, आपके सुना है कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, स्कूल मैन एसोसिएशन ने पीएम तक लेटर लिखा, मगर कुछ समाधान नहीं निकला। तमाम स्कैम हुए, लेकिन कहीं किसी दोषी को पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वो भाजपा से जुड़े थे। एक विधायक के बेटे से 8 करोड़ रुपए कैश मिले, उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनके पिता ने परेड निकाली। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, जहां मौका मिला इन्होंने वहां लूटा। कहा जाता है कि कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपये लूटे गए हैं। प्रियंका ने कर्नाटक के लोकल दूध ब्रांड नंदिनी को लेकर भी सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा, बीजेपी ने नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय दूध उत्पादन इतना था कि हम शीर भाग योजना के तहत स्कूल के बच्चों को दूध देते थे। यही नहीं, दूध के भारी उत्पादन के कारण हम किसानों को भी 5 रुपये लीटर दूध देते थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।